इस वीडियो में चारों एक्सपेरिमेंट अमेजिंग है। बहरहाल वीडियो बनाना मेरा कर्म है और मेरा दायित्व है, और लाइक करना आपका कर्तव्य है और आपका दायित्व है। तो प्लीज़ मैं अपना दायित्व निभाता हूँ और आप अपना कर्तव्य निभाइए। धन्यवाद। नंबर फर्स्ट, एक आलू को ले लिया है कुछ ऐसा, ठीक है। आलू लेने के बाद उसमें दो लाइट के वायर जोड़ दिए, जिसमें हमने 230 वोल्ट की लाइट दे दी। तो ये देखिए आलू के अंदर क्या क्या रिएक्शन होने लगी हैं। इसको काट कर देखेंगे। अभी काट कर देखा तो कुछ ऐसा हाल मिला। नंबर सेकंड, और वीडियो में हम जिन केमिकल्स का यूज करेंगे वो आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। एक ईंट के ऊपर अपन पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट लेने के बाद उसके ऊपर ग्लिसरीन की कुछ बूंदों को डाल दिया जाता है। जैसे ही बूंद को डाल दिया जाता है तो ये देखिए इसके अंदर कितने भयंकर रिएक्शन देखने को मिला। मेरे दिमाग के अंदर एक ख्याल आया कि इसी एक्सपेरिमेंट का बोतल के अंदर किया जाए तो क्या होगा। बोतल के अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डाला और इसके अंदर ही हम ये देखिए कुछ ऐसा डाल दिया है। अब बोतल के अंदर जब ग्लिसरीन को डाला जाता है तो क्या रिएक्शन देखने को मिलती है, ये देखिए कितने भयंकर धुआं ही धुआं हो गया, कुछ देखने को तक नहीं मिल रहा है इसके अंदर। इसके अंदर के हाल बेहाल है, कैमरा कुछ नहीं देख पा रहा। और ये नंबर थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छा है। इस एक्सपेरिमेंट को अभी करते हैं। इस वीडियो में अपन एक लाइटर को ले लेते हैं और थर्माकोल को ले लेते हैं। थर्माकोल के नीचे जैसे ही मैंने लाइटर को जलाया तो ये देखिए कितने बड़े क्षेत्रफल को इसने समतल कर दिया, कितने क्षेत्रफल पर अपना प्रभाव छोड़ देता है। नंबर फोर्थ, सो फ्रेंड्स ये है नॉर्मल वाटर, ये देखिए गिलास में, और इसे पी भी लेते हैं, ठीक है। अब इसी गिलास के पानी को देखते हैं इसके ऊपर थर्माकोल डाल के इसके अंदर, फिर देखते हैं क्या होता है। वीडियो में भारी मजा आने वाला है, देखते रहिए। गिलास में नीचे पानी और ऊपर पेट्रोल को भर दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए लेयर भी बन रही है। एक थर्माकोल को ले लिया जाता है, थर्माकोल को काट लिया जाता है एक लाइन के जैसा, ब्लेड से मैंने काट लिया है, ठीक है, और काट भी रहा हूँ अभी तक। और कुछ ऐसे इस पर सर्कल और चिन्हित कर लिया जाता है इसको थर्माकोल के ऊपर। अब ये जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर डालूंगा ना, ये पेट्रोल पूरा थर्माकोल सोख लेगा और पानी हमारा सेफ हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये डाला थर्माकोल को, ये देखिए पूरा पेट्रोल थर्माकोल सूखने लगा है। यार वीडियो जैसे भी लगते हो लेकिन लाइक, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, ठीक है। बेशक अभी हमारे चैनल पर बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंटों को इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और आप सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।